उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भले ही मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत महिलाओं को दी जा रही सुरक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, लेकिन महिलाएं लगातार छेड़छाड़ और अन्य घटनाओं से परेशान होकर थाने में जाकर मुकदमा दर्ज कराने को मजबूर हैं। इसी कड़ी में जिले की कोतवाली देहात की रहने वाली एक महिला GNM की ट्रेनिंग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कर रही थी। महिला का आरोप है कि वहाँ पर नियुक्त सरकारी डॉक्टर द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही थी। इस घटना को लेकर महिला ने आज थाने में तहरीर दी है और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। मानी है और मैं PHC में ट्रेनिंग के लिए आई थी सीखने के लिए, और वहाँ जो डॉक्टर जितेंद्र है वो मेरे साथ बहुत मिसबिहेव कर रहे हैं। क्या हुआ आपके साथ, ये पूरी घटना बताओ। मुझे बोल रहे हैं कि तुम्हें कहीं जॉब नहीं करने दूंगा, वरना तो मतलब तुम यहीं रहो, वरना तो मैं तुम्हें कहीं जॉब नहीं करने दूंगा, और तुम्हारे हस्बैंड को भी ससुर को भी जेल में भिजवाऊंगा। क्यों कह रहा है सर? क्या चाहते हैं? वे चाहते हैं कि मतलब मैं यहाँ जॉब भी मतलब यहाँ मैं सीखने नहीं आऊँ, और मतलब मेरे साथ ऐसे छेड़छाड़ करते हैं। कहाँ पे कार्यरत हैं डॉक्टर जितेंद्र? कोतवाली ब्लॉक। आपने आला अधिकारी से शिकायत की? अभी तो नहीं की थी, मैं सोचती थी शायद ये ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन वे अपनी हद से ज्यादा बढ़ रहे थे। अभी आप कहाँ पे हो? मैं कोतवाली में आती हूँ। थाने में आपने कुछ शिकायत? जी, थाने में भी रिपोर्ट लिखवाई है, वहाँ भी आके डॉक्टर जितेंद्र यही बोल रहे हैं कि मेरे भैया IAS है, वह है, दरोगा है। पुलिस का क्या आश्वासन मिला अभी? अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला, ये बोल रहे हैं कि केस वापस ले लो अपना। कौन सा केस है ये? वो पुलिस बोल रही वापस ले। जी, किन से बात हुई? पुलिस इंस्पेक्टर साहब से बात हुई थी? जी, चलो अभी ना उनसे बात रहा।